वाराणसी में भोजपुरी फिल्म काहे लेखन ऐसन किस्मत फिल्म के संदर्भ में 9 मई गुरुवार को कोठी कैंट स्थित अवध होटल में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान प्रिंस दीवान अनुप जेडी साक्षी कोढ़ालकर ने बताया कि 17 मई 2024 को तेलियाबाग स्थित आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में सुबह का शो 10 बजे से 12 बजे तक देखने को मिलेगा। ये फिल्म पारिवारिक फिल्म है जो कि जुल्म अनाथ बच्चों के प्रति अन्याय के खिलाफ लड़ाई को दिखाती है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी कोंडालकर, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मैं 17 मई को हमारा फिल्म आ रहा है काहे लेखन ऐसन किस्मत, तो आप ज़रूर देखने के लिए जाइए। बहुत अच्छी फिल्म है और मतलब कहते हैं आप पूरे परिवार को परिवार के साथ देखने के लिए जा सकते हो। हमारे फिल्म में अश्लीलता नहीं है कुछ और मतलब छोटे से लेके बड़े तक सब आप आराम से देख सकते हो। कह सकते हैं एक तरह से पारिवारिक फिल्म है, लेकिन आप महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और इस तरह से भोजपुरी में आना। जी हाँ, अच्छा सवाल पूछा आपने। क्योंकि मतलब भोजपुरी इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि पहले जो था भोजपुरी में वो बहुत अच्छा था। अभी मतलब अभी जो अभी का जनरेशन है वो ऐसा मतलब कहते हैं ना वो वैसा कर रहा है, मतलब वैसा कर रहा है, यस अश्लीलता मतलब कहते हैं ना वैसे बना रहे। तो जो हम लोग ने मतलब 100% तो नहीं पर 70-85% हम लोग ने मतलब ये फिल्म में दिखाया है कि वैसा कुछ ना हो, मतलब सब परिवार देखे। क्योंकि बहुत से ऐसे रहते कि हमने जब महाराष्ट्र में बोली कि घर वालों को बोली कि मैं भोजपुरी फिल्म करी, तो बोलते साक्षी तो भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं, मतलब क्यों कर रही है? कलाकार के लिए भाषा कोई मायने नहीं रखता, हर भाषा में फिल्म करने की सच बात है। पर मेरे को महाराष्ट्र में भी दिखाना है कि भोजपुरी किसी से कम नहीं है। वो जो सब लोग के माइंड में चल रहा है कि भोजपुरी ऐसा है वैसा है ये वो है, तो मेरे को वो मतलब कहते हैं सबके माइंड वॉश करना है कि भोजपुरी ऐसा नहीं है। क्योंकि DRPH में हम दोनों का गाना छोड़ा, मतलब जी हीरो है तो हम दोनों का गाना छोड़ा, तो उन लोग का मतलब जो एक्सप्रेशन था ना, मतलब कह नहीं सकते कि साक्षी भोजपुरी इतना अच्छा और इतना मतलब इतना अच्छा गाना कहाँ से आया, ऐसा रहता है। तो वही कि भोजपुरी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भोजपुरी है और फिल्म भी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर देखिए सबके। फिल्में कहाँ कहाँ पर बनी हुई बनारस में? नहीं, बनारस चुनार में, अभी मेरे को ज़्यादा नहीं पता इधर का, मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। चुनार में बगही गाँव है, उसमें बनी है। हाँ, बनारस में भी, इधर का लोकेशन भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं फिल्मों में जो है अश्लीलता खास तौर से देखी जा रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि भोजपुरी आपकी फिल्म में नहीं है, लेकिन खास तौर से फिल्मों में अश्लीलता देखी जा रही है जो परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो क्या लगता है कि अब जो है जो नई यंग है वो फिल्मों से, मतलब जो नई यंग है जो लड़के लगे हैं वो तो लड़के लगे हैं वो तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जो परिवार के लोग हैं इस माता पिता के लोग वो कहीं ना कहीं बैठने से कतराते हैं? अच्छा कतराते हैं, मतलब अभी अगर सपोज कि हम लोग फ़ोन है हाथ में, जो भोजपुरी फिल्म हम लोग फ़ोन में देखते हैं गाना देखते हैं, तो घर वाले हेडफोन्स लगा के देखते हैं, बराबर ना? सही बात है ना? तो क्यों कि वैसे मतलब बना रहे वो, मतलब कहते हैं ना वो वैसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। अभी उन लोग बना रहे क्योंकि पहले भोजपुरी सॉन्ग आपको तो पता होगा, पहले भोजपुरी सॉन्ग कितने अच्छे थे, अपनी अपनी कोशिश है और कोशिश ये करना है कि समाज में हम कुछ अच्छा कर सकें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।